बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट लीड करती हैं इंडिया में, उसके अलावा टाटा क्लिक, रिलायंस डिजिटल, मिंत्रा, नाइका, ये सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें कि हमें बहुत सारी डील्स मिलती हैं यार बड़ी। लेकिन प्रॉब्लम की बात है, आज हमें एक डील मिल रही है, मान लो एक फ़ोन है, नॉर्मल प्राइस का 25,000 है, लेकिन आज एक डील आई है जिसमें उसका प्राइस जो 23,000 का मिल रहा है। अब क्या पता हो सकता है इससे पहले वो और भी अच्छे डिस्काउंट में मिला हो। ये पता कैसे करेंगे, ये जो सामान हम खरीदने वाले हैं ये इससे पहले इससे भी कम प्राइस पे आया है या फिर नहीं आया है? तो उसके लिए एक मस्त एक वेबसाइट है, उसके बारे में आज पूरा बात करने वाले हैं। अंत तक वीडियो देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। ये वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, pricehistory.in के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप कई सारी वेबसाइट जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं उनमें से किसी भी प्रोडक्ट की आपको हिस्ट्री जाननी है कि इससे पहले कितने से कितने मिनिमम प्राइस पे मिला है या फिर कितने से कितने मैक्सिमम प्राइस पे मिला है, तो वो सारी हिस्ट्री आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट काफ़ी सारी वेबसाइट को सपोर्ट करती है, जैसे कि अमेजोन पे आपको किसी प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री जाननी है, फ्लिपकार्ट पे आपको किसी प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री जाननी है, मिंत्रा, टाटा क्लिक, पेटीएम मॉल, क्रोमा जिसपे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान मिलते हैं, जिवामे, नाइका, आजियो और क्रूप्स, तो इन सारी वेबसाइट के बारे में आप पूरा पता कर सकते हो इससे पहले कोई प्रोडक्ट है इससे कम प्राइस पे कब आए थे। जैसे कि आज ही मैं जैसे एक प्रोडक्ट देख रहा था फ्लिपकार्ट पे, मैं चेक कर रहा था कि एक कैमरा है कैनन M50 Mark II, उसका क्या प्राइसिंग है। ये कैमरा है कैनन EOS M50 Mark II, तो इसकी प्राइसिंग अभी 58,995 दिखा रहा है, लेकिन हमें पता करना है क्योंकि हमें शायद ये वाला कैमरा लेना होगा, तो हमें पता करना है आगे आने वाले टाइम में क्या इसका प्राइस कम हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ज़्यादातर चांसेस है अगर इससे कम है वो पहले मिला है तो शायद आगे भी मिल जाएगा। तो इसकी जो URL है वो आपको कॉपी करनी है, एड्रेस बार में से pricehistory.in पे जाना है, यहाँ पे आपको URL पेस्ट कर देनी है और ट्रैक प्राइस पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रैक प्राइस पे क्लिक करोगे थोड़ा थोड़ा वेबसाइट से प्राइस वगैरह निकालेगा, वह पूरी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पे जैसे देख सकते हो ग्राफ आ गया, हाईएस्ट प्राइस जो था इसका 74,295 था, ये वाली जो कैमरे की किट है पूरी व्लॉगिंग किट है जिसमें कि कैनन का M50 Mark II, एक माइक है कैनन का ही और एक ट्राईपॉड है, तो ये पहले 74,295 की थी और अभी जो इसका प्राइस है करंट प्राइस दिखा रहा है वो है 58,995, लेकिन और लोएस्ट प्राइस था इसका 58,995 पे लोएस्ट प्राइस था। तो अगेन अमेजोन पे जाएंगे तो अमेजोन पे हम देखते हैं कैनन का मार्क, कैनन M50 Mark II, तो अमेजोन पे अगर जाते हैं, अमेजोन पे हम ओपन करते हैं, अमेजोन पे भी अभी अवेलेबल नहीं है, करेंटली अनअवेलेबल है। अगेन यहाँ से हम इसकी लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे pricehistory.in पे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इस बार अमेजोन है, इस बार फ्लिपकार्ट नहीं है, तो जैसे हमने यहाँ पे प्राइस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को ग्राफ है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे, लेकिन लोएस्ट एक बार यहाँ पे 49,995 पे गया, तो इसका मतलब यार आगे आने वाले टाइम में भी हो सकता है इसका प्राइस इतना जा सकता है। जैसे दिवाली सेल वगैरह आने वाली है या फिर बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स, ये सारी सेल आती है अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो इनमें हो सकता है आपको सस्ता मिले। ये हो गई अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात, लेकिन यहाँ पे हम यार मिंत्रा को चेक करना चाहें, जैसे मिंत्रा पे कोई प्रोडक्ट है हमें सही लग रहा है लेकिन अभी हमारे बजट से थोड़ा बाहर जा रहा है, या फिर हो सकता है उसकी अच्छी डील हमें मिलने वाली हो और हम फालतू में महंगा पैसा देके खरीद लें, तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे खोल लेते हैं। टी शर्ट है जैसे नॉटिका क्या है पता नहीं, तो ये वाली टी शर्ट खोलते हैं। ये वाली टी शर्ट हमने खोली तो यहाँ पे हमें इसका प्राइस अभी कितना है 764 दिखा रहा है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसके URL कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जैसे हमने ट्रैक प्राइस पे किया इसका प्राइस ट्रैक हुआ लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि प्रोडक्ट URL इनवैलिड बता रहा है। ओके अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देख लिया, लेकिन टाटा क्लिक पे जाके देखते हैं। तो टाटा क्लिक पे जैसे सैमसंग गैलेक्सी M50 अभी 22,000 का दिखा रहा है, ओरिजिनल प्राइस जब ये लॉन्च हुआ था उसका प्राइस 25,000 था, 6GB 128GB वाले वेरिएंट का। यहाँ पे URL कॉपी करते हैं, pricehistory.in पे जाते हैं, यहाँ पे URL पेस्ट करते हैं, ट्रैक प्राइस करते हैं। तो ट्रैक प्राइस करने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा आ गया यार कि जो भी इसकी प्राइस हिस्ट्री रही है अभी के टाइम पे उसका जो करंट प्राइस है वो दिखा रहा है 21,990 जो कि हमें टाटा क्लिक पे मिल रहा था, और इससे पहले जो हाईएस्ट था वो था 27,999 और इसका जो लोएस्ट अभी जो करंट प्राइस है उससे लोएस्ट जो गया था वो गया था 23,390। हालांकि क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑफर लगा के थोड़ा सा 1-2,000 और सस्ता मिल सकता था, लेकिन फिर भी अगर ओरिजिनल प्राइस देखें जो लोएस्ट गया था वो था 23,390। यार यहाँ पे हमें एक डील अच्छी मिल रही है,
अभी कोरोना की वजह से चिप शॉर्टेज काफी हो रहा है फोन्स में, तो इसकी वजह से प्राइस अभी बढ़ ही रहा है, तो एक काफी अच्छी डील है। तो इसी तरह से और भी काफी सारे प्रोडक्ट का आप चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मिंत्रा का भी चेक करके देखा था, लेकिन मिंत्रा के केस में काफी सारे प्रोडक्ट को अभी आप चेक करते हो तो काफी सारे टाइम पे प्रोडक्ट URL इनवैलिड बता देता है या फिर हिस्ट्री चेक नहीं कर पाता है। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट टाटा क्लिक पर मैंने चेक किया था, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा जो भी सपोर्टेड वेबसाइट इसमें यहाँ पे दिखा रखे हैं, आई होप उन सब पे भी काम करेगा। एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे, जो कैनन का M50 Mark II मिररलेस कैमरा है वो अभी यहाँ पे कमिंग सून दिखा रहा है। कमिंग सून मतलब सोल्ड आउट हो चुका है, पहले आया था लेकिन अभी नहीं है। किसी किसी केस में जो नया प्रोडक्ट है वो लॉन्च होता है तब कमिंग सून दिखाता है, या फिर जो पहले कोई प्रोडक्ट आया था उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो गया, फिर नए नाम से आ रहा है, इस तरह से वो कमिंग सून दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसकी URL कॉपी करके हम प्राइस हिस्ट्री में फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे हमने प्राइस हिस्ट्री में गए और यहाँ पे हमने ट्रैक प्राइस चेक किया। प्राइस ट्रैक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है, तो इस ग्राफ से हम एक चीज़ और पता कर सकते हैं कि यार ये कितने दिनों बाद कब कब स्टॉक में आता है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट स्टॉक में आ रहा होगा, तभी तो उसका नया प्राइस आएगा। तो इससे हम ये चीज़ भी पता कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इस टाइम पे स्टॉक में आया था, इतने इतने दिन बाद इसका प्राइस चेंज हुआ है, इतने दिन बाद ये स्टॉक में आ रहा है। और लेकिन अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि फ्यूचर में आने वाला है कि नहीं आने वाला। pricehistory.in पे एक अच्छा फीचर है कि यहाँ पे आप जो है ना सेट प्राइस अलर्ट कर सकते हो। प्राइस अलर्ट पे जाओगे, टारगेट प्राइस आपका जो भी है, मान लो 50,000 आपको डालना है, तो 50,000 आप यहाँ पे प्राइस 50,000 यहाँ पे हमने प्राइस डाल दिया। सेट प्राइस अलर्ट पे जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे एक प्राइस अलर्ट हम लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉग इन नहीं है, अगर आपको प्राइस अलर्ट चाहिए तो आप लॉग इन कर सकते हो, आपके पास मेल आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यार इस प्रोडक्ट का प्राइस कम या ज़्यादा हुआ है, या फिर ये प्रोडक्ट स्टॉक में आ गया। स्टॉक का कैसे पता चलेगा, अगर प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट स्टॉक में आ गया। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली, कुछ सीखने को मिला, आपके काम के कुछ टूल्स पता चले, तो वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सब जगह शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल बजा दें। क्यों? क्योंकि ऐसी और मस्त मस्त हर हफ्ते ऐसी मस्त मस्त और नए टूल्स, नई वेबसाइट, नए गैजेट्स के बारे में रिव्यूज वगैरह सारी वीडियोस आपके पास आते रहेंगी। अगर हमने 5 मजेदार वेबसाइट वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आई बटन पे मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड बाय।